Friends from the media, my senior leaders on the dais, my colleagues and dear friends, it is indeed a matter of great opportunity for me to have an interaction with you. Today I had come to show my solidarity with the fight which the Telangana state BJP is fighting for the people and for the employees of Telangana state. आज मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो तेलंगाना राज्य एम्प्लॉइज के लिए और लोगों के लिए जो जमीनी स्तर पर जो लड़ाई लड़ रहा है उसको समर्थन देने के लिए मैं आया था, लेकिन मुझे एयरपोर्ट पर ही जॉइंट कमिश्नर पुलिस मिस्टर कार्तिकेय, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ गवर्नमेंट ऑर्डर है कोरोना के नॉर्म्स को फॉलो करना, इसलिए आपको मैं ये बताने आया हूं कि कोरोना नॉर्म्स को फॉलो किया जाए। मैंने उस समय उनसे कहा कि मैं कोरोना के सभी नॉर्म्स को फॉलो करूंगा और फॉलो करते हुए गांधी जी की मूर्ति पर जाकर फूल अर्चना करूंगा और प्रजातंत्र को ताकत मिले इसकी प्रार्थना करूंगा और इसके साथ साथ अपने तरफ से हम सारे नॉर्म्स को फॉलो करेंगे। The situation of the government was exposed at that point of time when I said, now, do I have the permission? He said, I don't know. That means that the administration was only bent upon stopping me, but they did not have the answer when I told them that I will go within the norms. And then they said, iska permission mere paas nahi hai, you are the best judge. Here, I'm a person and my party is a disciplined party. We went there. महात्मा गांधी जी के आगे हमने फूल अर्चना अर्पित की और उनसे हमने शक्ति भी ली और प्रार्थना भी की, लेकिन ये सारे प्रोसेस में कोरोना को किस तरीके से उपयोग करने का प्रयास किया यह यहां पर भली भांति दिखता है। और मैं वहां जनसभा कर सकता था, लेकिन मैंने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए और मैंने सोचा कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं अपनी बात को कहूंगा, और इसलिए आपको ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस आई रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ यू टू जॉइन मी फॉर द मीडिया ब्रीफिंग एंड यू ऑल हैव कम। आई मस्ट थैंक ऑल ऑफ यू। जहां तक तेलंगाना का सवाल है, केसीआर के नेतृत्व में चलने वाली सरकार गैर प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार चल रही है। इट इज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विच इज फंक्शनिंग। इट इज द लास्ट 2 days वॉट एवर हैज हैपेंड, इट इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। ये प्रजातंत्र की हत्या है जो पिछले 2 दिनों में घटनाएं घटी हैं और एक तरीके से डिक्टेटरशिप है, ऑटोक्रेसी है, तानाशाही है, और यह सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई डायनेस्टिक रूल यहां पर चल रहा है, परिवारवाद चल रहा है, वंशवाद चल रहा है, जिसकी सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही है और लड़ेगी और अंतिम समय तक लड़ेगी, जब तक कि हम इस वंशवाद की सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को, एंटी डेमोक्रेटिक सरकार को उखाड़ नहीं फेंकते हैं प्रजातांत्रिक तरीके से, तब तक ही हम लड़ाई लड़ेंगे। अब मैं बात करता हूं जो संजय बंडी जी के साथ हुआ। सबसे पहले आप सब लोग घटना जानते हैं। ये जो जियो ऑर्डर है 317, ये एंटी एम्प्लॉय है, ये एंटी पीपल है, और बीइंग इन ऑपोजिशन इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माय पार्टीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइट फॉर द कॉज ऑफ द एम्प्लॉयज एंड फाइट फॉर द कॉज ऑफ पीपल। हम विपक्ष के होने के नाते ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम जनता की और कर्मचारियों की लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक लड़े, और टीचर्स की एम्प्लॉयज यानी टीचर्स भी, बाकी लोगों के साथ भी जो ये जियो ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता है। अब शांतिप्रिय ढंग से हम अपनी वॉइस को रख रहे थे। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ कोरोना, वैसे इनके मिनिस्टर्स हर जगह जनसभाएं भी कर रहे हैं और रैलियां भी कर रहे हैं और तो और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उन सब के लिए इनको छूट है, लेकिन ये जब बात आती है भारतीय जनता पार्टी की तो उसको रोकने का प्रयास होता है। संजय बंडी ने उस दिन शांतिप्रिय ढंग से धरना देने का तय किया। इन्होंने कोरोना जियो रूल्स दिखाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए संजय बंडी ने अपने एमपी वाले कार्यालय में रात का जागरण रखा, और जागरण शांतिप्रिय ढंग से रखा, और पुलिस ने पहले वहां एम्प्लॉयज को, टीचर्स को आने से रोका, अरेस्टिंग की, और संजय बंडी जी के यहां उनके ऑफिस में जाकर गैस कटर से लेकर के स्टील के रॉड्स को और कोलैप्सिबल डोर्स को और बाकी दरवाजों को काटा। काटने के बाद अंदर घुसे, घुसने के बाद अश्रु गैस अंदर डाला, पहले वाटर कैनन चलाया, और फिर संजय बंडी को मैन हैंडल करते हुए और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करते हुए संजय बंडी को अरेस्ट किया। ये अनडेमोक्रेटिक नॉर्म्स का जीता जागता तस्वीर है। आई एम अशेम्ड टू से दैट वी आर इन 21st सेंचुरी। रूल ऑफ लॉ में एक ऑटोक्रेटिक केसीआर किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मेरा ये चार्ज भी है कि केसीआर बौखला गए हैं। केसीआर ने अपना आपा खो लिया। ही हैज लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस। और ये तब हुआ है जब दुबाका में धमाका हुआ है और हुजूराबाद में हुजूर को फटका लगा है। इसने इनका मेंटल बैलेंस खो दिया है। ही हैज लॉस्ट हिज सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, द वे ही इज बिहेविंग। अभी मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं। आपके यहां धरना चौक पर धरना देना बंद हो गया बाय गवर्नमेंट ऑर्डर्स, एंड हाई कोर्ट हैड टू इंटरवीन, एंड फर्स्ट टू टेक द अपॉर्चुनिटी वाज केसीआर हिमसेल्फ एज चीफ मिनिस्टर सिटिंग ऑन धरना। क्या ये कैसा प्रदेश है? किस टाइप के नॉर्म्स को लेकर के लोग काम कर रहे हैं? तो यह प्रश्न, इसको जनता तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है। उसको हम बिल्कुल पहुंचाएंगे, उसको हम करेंगे। ये हाई हेडेडनेस और ये हाई हैंडेड जो एटीट्यूड है, इसको हम इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। जहां तक करप्शन का सवाल है, मैंने 2 साल पहले भी आकर के कहा था कि दिस स्टेट इज प्रूविंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट करप्ट स्टेट्स, and all under the direction of chief minister. मैंने पहले भी कालेश्वरम के बारे में बातचीत की थी। कालेश्वरम has become an ATM for KCR. हमारे हिंदी में कहते हैं कि ये दूध देने वाली गाय हो गई है। The original project was of 36,000 crores. Now the project is 1,20,000 crores. And the water has reached only his farmhouse and to none others. This is the situation. If I talk about Palamuru, Rangareddy, inauguration हो गया, पैसे लग गए, एक drop water नहीं पहुंचा है. This is the situation. Mission Bhagyarathi. पैसा लग चुका है, एक drop water नहीं पहुंचा है. This is the state of corruption, of height of corruption of KCR's government, which we have to understand.